असलम एवरी वन आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स आज मैं आप लोगों के लिए जो नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है रापुनजुल और ये इस नावल की थर्टी सेकेंड एपिसोड है लेट्स गेट स्टार्टेड कॉनैन कहाँ है अम्मी को हॉस्पिटल छोड़कर वो इसी वक्त वापस आया था उसे कॉनैन से अभी बात करनी थी उसे ज़िंदगी में मज़ीद प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए थे उसने सोचा था वो इसी वक्त इसका हिसाब किताब करके उसे फ़ारह कर देगा और अब की बार उसके साथ कोई नई बहस छेड़ने से एतराज़ बरतेगा अम्मा रजिया ने इसके और अंदाज़े पर कुछ हैरान होकर उसे देखा था क्या हुआ बेटा सब ठीक है ना वो परेशान हो गई थी समी को फ़िल वक्त इनकी किसी परेशानी से कोई गर्ज नहीं थी अम्मा रजिया जो पूछा है उसका जवाब दें मेरा वक्त ज़ाया ना करें वो बदतमीज़ नहीं था लेकिन बाज़ बाज़ा इसको हर शख्स पर गुस्सा आने लगता था और अभी भी वैसा ही वक्त था शहरीन बिटिया ठीक है ना सब ठीक है ना बेटा अम्मा रजिया सहम सी गई लेकिन फिर भी उन्होंने इस कर ही लिया शहरीन की हालत ही ऐसी थी कि वो खदशात में सब घिरे ही रहते थे थी। सब ठीक है अम्मा रजिया आप वो बताएँ जो मैं पूछ रहा हूँ वो जि छोकर बोला वो ऐन के कमरे में ही होंगी बेटा आज वो काफ़ी लेट आई थी यहाँ रुकी नहीं सीधा ऐमन के कमरे में ही चली गई थी लेकिन मैंने ऐमन को नाश्ता वगैरह सब करवा दिया था अम्मा ने जैसे उसकी सफाई पेश की थी समी उनकी बात मुकम्मल सुने बिना ही ऐमन के कमरे की जाने बढ़ गया था उसने दस्तक भी नहीं दी थी वो दरवाज़े की जाने पुश्त किए ऐम की स्टडी टेबल के पास खड़ी उसे समझा रही थी कुछ इसका दुपट्टा ऐमन के बैट पर पड़ा था दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी इसने मुड़कर नहीं देखा था कौनैन ज़रा ड्राइंग रूम में आए मुझे आपसे बात करनी है समी ने सख्त लहजे में कहा था उसने चंद लम्हे तो कोई जवाब नहीं दिया फिर उसकी बुझी हुई सी आवाज़ सुनाई दी जी अच्छा आप चलें मैं ऐमन को पढ़ा कर आती हूँ वह अपने मखसूस पुरमाद अंदाज में बात नहीं कर रही थी समी को लगा जैसे वो उसे टाल रही है वो तो बहुत मूँफट लड़की थी इसके इस अंदाज़ को देखकर समी समझा था कि वो कसूरवार है और अब जान छुड़वाने के लिए इससे बात नहीं करना चाहती उसे मजीदा आ गया नहीं आप मेरे साथ आए अभी बात करनी है मुझे आपसे वो नहायत नाराज़ लहजे में बोला था ऐमन ने मुड़कर उसे देखा इसके चेहरे पर हैरानी थी वो बाप का खफासा अंदाज देख कुछ सहमसी गई थी लेकिन कौनैन ने मुड़कर भी नहीं देखा वह जवाबन फिर खामोश रही समी का गुस्सा बढ़ने लगा उसे यकीन हो चला था कि उसने वाकई इसकी अम्मी के सामने कुछ अनाप शनाप बोला था वो कमरे के अंदर आया और फिर इसका हाथ पकड़कर दरवाजे की जानेब ले जाना चाहा आपको एक दफ़ा की कही बात समझ नहीं आती क्या मैंने कहा मुझे बात करनी है आपसे अभी ऐमन की वजह से वो फिर भी लिहाज कर रहा था वरना इसका दिल चढ़ रहा था कि इस लड़की को उठाकर फौरन अपने घर से बाहर निकाल दे वो इसके अंदाज पर यकीन हैरान हुई थी फिर भी इसने बेहद नजाकत से उसकी जानब देखे बिना बाहर की कदम बढ़ा दिए वो समी की जानब देख नहीं रही थी और इससे समी का गुस्सा बढ़ गया झूठ के सिवा क्या है जो आपको इस तरह अपना चेहरा छुपाने पर मजबूर कर सकता है इसने जल सोचा और साथ ही इसकी आंखों में देखना चाहता हा वो एकदम हैरान रह गया वही गुस्सा जो अपने उर्ज पर पहुंचा हुआ था एकदम कुछ कम हो गया इसके चेहरे पर बेतहाशा नील थे और जगह जगह से चेहरा सुर्ख हो रहा था ये क्या हुआ वो परेशान सा हो गया आप कौनैन को मर डाँटें उन्हें चोट लगी है वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी एमन ने डरकर वजाहत कर दी थी वो बाप के इस कदर सख्त लहजे की आदि नहीं थी इसीलिए उसे गु़स्से में देखकर वो काफ़ी डर सी गई थी ये क्या हुआ है कौनैन समी ने यकदम इसके सामने आकर उसका चेहरा देखा उसने घूर कर उसे देखा कुछ नहीं हुआ मुझे आपको तसल्ली हो गई अब मेरा सुझाव आप देख कर बस इसी लिए आज बात नहीं करना चाह रही थी आपसे चलें अब आप। वो चिड़ कर अपने मखसूस अंदाज में नाक चढ़ाकर बोली फिर बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाया उसे कंधे पर डाला और एमन की जाने मुड़ी आप ये एक्सरसाइज ख़त्म करें मैं अभी आती हूँ ऐमन ने सर हिलाया और फिर कागज़ पेंसिल की तरफ मुतवजा हो गई समी ने देखा कि वो कौनैन की बात टालती नहीं थी वो दोनों आगे पीछे चलते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए समी ने लाइट्स ऑन कर दी वो सवालिया अंदाज़ में उसका चेहरा देखने लगी जबकि वो खुद परेशान सा होकर उसी का चेहरा देख रहा था क्या प्रॉब्लम है बोलें क्या बात है वही बच्ची के सामने आपने इतना बावेला मचा के रखा था कि बात करनी है बात करनी है अब चुप हो गए हैं आप वो नाराज़ होकर बोली अब वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी ये क्या हुआ है आपको समीर ने फिर सवाल किया उसका चेहरा ही नहीं गर्दन भी खराशों से भरा हुआ लगता था ओहो एक ही बात के क्यों पीछे पड़ जाते हैं रंधावा साहब बताया तो है अभी बच्ची ने आपको कि सीढ़ियों से गिर गई थी मैं अच्छा बोलें क्या बात है क्या बात करनी थी आपको मुझसे वो अब एक बार फिर वैसे ही बेपरवाह मुँहफट और खुदसर नजर आने लगी थी जैसे कि वो थी समी ने उसे कंधों से थामा और उसे आगे की जानब धकेला उसने ज़रा सा हैरान होकर उसे देखा और अपने कंधे इसकी गिरफ्त से छुड़वा बोली तमीज़ से इतनी बेतकुलफ़ी पसंद नहीं है मुझे तमीज़ से बात करनी है तो करें वरना मैं जा रही हूँ समी ने उसकी लहजे की इस बार बिल्कुल परवाह नहीं की बल्कि सख्ती से इसको कंधों से थामा और एक तरफ आवेज़ा वॉल हैंगिंग के सामने खड़ा कर दिया जिस पर बड़ा सा आईना लगा हुआ था बेवकूफ़ समझती हूँ मुझे चोट लगे ऐसे नील पड़ते हैं चेहरे पर ये सीढ़ियों से गिरने के निशान हैं क्या वो उसे घूरते हुए पूछ रहा था कौनैन ने आईने की जानब देखा तक नहीं था ये फिज़िकल टॉर्चर है सारा चेहरा मार मार के बिगाड़ डाला है किसी ने साफ़ पता चल रहा है किसी ने टॉर्चर किया है आपको वो वाकई इसका चेहरा देख परेशान सा हो गया था उसे इस लड़की से फ़ौर जान छुड़वानी थी ये उसे किसी तौर काबिल भरोसा नज़र नहीं आती थी लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये फरीजा सर अंन्जाम कैसे दे वो इसकी बात सुनकर एकदम कुछ भी नहीं बोल पाई समी इसके चेहरे की जानब ही देख रहा था अच्छा ठीक है दुरुस्त फरमा रहे हैं आप टॉर्चर ही किया होगा किसी ने खुश अब मैं जाऊं इसकी आंखों में छुपे सवालों को नज़रअंदाज करते हुए वो बिल्कुल आम से अंदाज में बोली थी जैसे इसकी नहीं किसी और की बात हो रही हो समी चिरसा गया और काउच पर बैठ गया उसे बैठता देख वो भी आराम से मोड़ी और बाहर जा की जानेब लपकी रुके समी ने गुस्से से उसे पुकारा अभी बात ख़त्म नहीं हुई है मेरी अभी तो वो बात हुई ही नहीं थी जिसकी खातिर इसने बुलवाया था वो रुक गई और फिर पलट कर आई आप हिचकियाँ ले लेकर क्यों बात करते हैं किस्तों में कह क्यों नहीं देते एक ही बार जो कहना है अच्छा लगता है किसी को बार बार पीछे से मुखातिब करना मेरा भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और अपना भी आपको पता तो है कि मैं एमन को पढ़ा रही थी और वो इंतज़ार कर रही होगी मेरा उसने दो टोकनदार से कहा जैसे वो समी के घर नहीं बल्कि समीज़ के घर बैठा हो समी को गुस्सा आ गया आप फिलफोर अपनी चीज़ें लें अम्मा रजिया से अपना हिसाब करें और जाएं यहाँ से मुझे आपकी सर्विसेज की कतन ज़रूरत नहीं मैं दोबारा आपकी शकल भी नहीं देखना चाहता अपने घर में इसने दो टोक अंदाज़ में कहा था वो एकदम हैरान होकर अपनी जगह पर जैसे जमसी गई फिर पलट कर इसके करीब आई और इसी के काउच पर बैठ गई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप क्या मैं अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही वो सवाल कर रही थी समी ने उसकी आंखों में देखा वो चेहरे से उसे कभी भी शातर नहीं लगी थी वो इसके बिल्कुल सामने बैठी मासूमियत भरे अंदाज में सवाल कर रही थी समी की नज़रें एक बार फिर इसके चेहरे और गर्दन पर पड़ी किसी ने बहुत बेरहमी से मारा था उसे जा बजा नील और ख़राशी पड़ी हुई थी चेहरे पर इसकी नज़रों को महसूस करके कौनैन ने नज़रें चुरा ली समी को इस पर तरसा आ गया औरत ज़ात पर हाथ कोई कैसे उठा सकता है कोई कैसे मार सकता है किसी औरत को ऐसे उसने तरह से सोचा उसका लहजा ख़ुद ब खुद नरम हो गया कौनैन बात काम की नहीं है काम करने वालों की कमी नहीं है यहाँ काम करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं बात उस एतमाद की है जो हम आप पर करते हैं मेरी वाइफ को भरोसा है आप पर मेरी बच्ची की टीचर हैं आप सारा दिन मेरी इकलौती बेटी के साथ होती हैं अम्माजिया ने ज़िंदगी के बीस साल मेरे खानदान को देकर जो रुतबा हासिल किया है ना वो रुतबा दो महीनों में आपको दे दिया हमने ये हमारा आप पर अतम है मैं आपको घर के एक फर्द की तरह समझता हूँ और आप इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी लेकिन कौनैन ने इसकी बात कर दी समी साहब अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे मैंने कब कोई ऐसी हरकत की है जिससे आपके अतमाद को ठेस पहुँची हो वो हैरान तो थी ही लेकिन इसके चेहरे पर खफकी भी बढ़ गई थी नहीं मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ खुदा जानता है कि मुझे भी नहीं पता कि आप किस एरिया में रहती हैं यकीन करें मुझे आपके वेयर अबाउट्स में कोई दिलचस्पी है भी नहीं लेकिन मुझे दोगले इंसान या रवैये एक आंख नहीं भाते लोग झूठ बोलते हों या इनके कॉलो फील्ड में तज़ाद हो तो मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता मैं जिस क्राइसिस से गुज़र रहा हूँ इसमें आसाब वैसे ही मफरूज हो जाते हैं मज़ीद परेशानियाँ या उलझने अफोर्ड नहीं कर सकता मैं इसीलिए वो लम्हा भर के लिए रुका फिर दोबारा बोला तो इसका चेहरा पहले की नसबत सख्त था और लहजा भी काफ़ी बरहम आपके रवैये से मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि आप पर कितना अहतमान किया जा सकता है आपकी ज़िंदगी में होने वाला कुछ भी गलत सलत मेरी बेटी पर बराह रास्त असर अंदाज़ होगा इसकी खातिर ही तो मैंने आपकी ऑफ़र कबूल की थी लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने ग़लत किया था आप तो बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं है वो दो टोकनंदाज में बोला आप बार बार मेरी इंसल्ट कर रहे हैं हालाँकि क्या आपको कॉनैन चिट कर कुछ पूछना चाह रही थी कि समी ने उसकी बात काट दी इंसल्ट तो मेरी हुई है मेरी मदर के सामने वो उसे घूर कर देखते हुए कह रहा था वो चौंकिया इस तहफामिया अंदाज से उसकी जानब देखा इसके चेहरे पर अभी भी बेयकीनी और नासमझी के रंग चमक रहे थे उन्होंने शिकायत की है मेरी लेकिन क्यों मैंने तो कुछ भी नहीं किया वो उल्टा इससे सवाल कर रही थी जैसे कुछ जानती ही नहीं हूँ समी को इसके जलाकी पर गुस्सा आया था और साथ ही वो कंफ्यूज भी हो गया अगर इसने अम्मी की सारी बात को झुटला दिया तो इसकी कितनी बेइज्जती हो जाएगी घर की एक मुलाजमा के सामने वो अपनी माँ को झूठा भी नहीं पढ़वाना चाहता था पहले यह बताएं कि आपके चेहरे पे क्या हुआ है और आपकी बार सीढ़ियों गिरने वाला भोंडा लतीफा मत सुनाइएगा वो दो टोकर से बोला वो चंद में इसकी जानब देखती रही जैसे कुछ सोच रही हो कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज न मिल रहे हों एक लम्हे के लिए तो समी को लगा कि वो उठकर शायद चली ही जाएगी लेकिन वो तजबसब के आलम में बैठी रही फिर उसने गहरी सांस भरी थी आप सही कह रहे हैं ये फिजिकल टॉर्चर ही है इतना कहकर वो चुप हो गई समी को महसूस हो जैसे इसका लहजा बोझल हो रहा हो उसे अच्छा नहीं लगा वो लोगों के ज़ाती मामले को खरीदने का आदि नहीं था लेकिन यह मसला इसकी अपनी बेटी की सिक्योरिटी का भी था किसने किया है ये सब कौन है किसने मारा है आपको इसने पूछा कौन है? ने आदत के मुताबिक फ़ौर जवाब नहीं दिया और जब बोली तो इसकी आवाज़ किसी कुएँ में से आती हुई महसूस हुई मेरे फादर ने समी को धचका लगा फादर ने माय गॉड लेकिन क्यों कोई बाप अपनी औलाद को बिलखसूस अपनी बेटी को ऐसे कैसे मार सकता है मुझे पता था आपका अगला सवाल यही होगा और काश आपने ये सवाल ना पूछा होता खैर अब पूछ लिया है तो सुन भी लीजिए दरअसल गलती मेरी ही है मैं बहुत मुंहट हूँ ना मुझे अपनी ज़बान पर काबू नहीं रहता मैंने इनकी कज़न के साथ बदतमीज़ी की थी तो उन्होंने ग़ुस्सा किया बस वो एक बार फिर चुप हो गई ये ठीक नहीं है गुस्सा आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि बेटियों पर हाथ उठाया जाए गज़ब खुदा का छील के रख दिया है आपको उन्होंने समी को बहुत अफसोस हो रहा था वो चंदनम में से ज़्यादा उसके चेहरे की जानब देख नहीं पा रहा था वो कुछ नहीं बोली चंदला में अपने हाथों की जानब देखती रही फिर एकदम इसने गर्दन उठाई समी ने देखा इसकी आंखें भीग हो रही थी जिन्हें वो बहुत हिम्मत से छुपाने की कोशिश कर रही थी मैं जाऊँ अब ऐमन मेरा इंतज़ार कर रही होगी उसे इसकी बेटी की भी फिक्र थी समी तजपसब के आलम में उसकी जानब देखता रहा कि आया वो बात जो कि अम्मी ने उसे कही थी इसके मुतिक इस्तफसार करे या नहीं फिर वो एक नतीजे पर पहुँच गया नहीं एक बात और है जो मैं आपसे पूछना चाह पूछना चाहता भी हूँ और नहीं भी एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहता हूँ देखें आप ज़रा जजबाती किस्म की हैं अक्सर जोश में कुछ उल्टा सीधा बोल देती हैं हाँ मैं मानता हूँ इसमें आपका कसूर नहीं ये एज ही ऐसी होती है लेकिन कौन है ना हमारा ख़ानदान बहुत मॉडर्न नहीं है बिलखसूस मेरी अम्मी काफ़ी कंजर्वेटिव हैं उन्हें कब क्या बात बुरी लग जाए पता नहीं चलता अब आपसे क्या छुपाऊँ वो मुझसे और शहरन से कभी खुश नहीं रहीं इन्हें कभी हमारी बातें पसंद नहीं आई अक्सर बुरी लगती हैं तो वो ज़रा अलग अंदाज से रिएक्ट करती हैं मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उनके सामने बोलते हुए ज़रा एहतियात कीजिए वो ज़रा जल्दी नाराज़ हो जाती हैं उसने फिर घुमा फिर अपना मौकाफ़ बयान करना चाहा वो हैरान हुई उन्होंने मेरी शिकायत की है कि आपसे लेकिन अल्लाह की कसम मैंने तो उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की उनसे तो मेरी बातचीत भी नहीं है मुझे हैरानी है कि उन्हें मुझसे क्या शिकायत हो सकती है वो परेशान सी होकर पूछ रही थी ओहो कोई शिकायत नहीं है आपसे उन्हें आप जाएं बस आपका ध्यान है रहना चाहिए इस बात पर कि आप उनसे ज़्यादा बात ना करें और इधर उधर ज़्यादा मुँह ना खोलें वो नागंवारी से बोला वो नहीं चाहता था कि इसके सामने वो अल्फ़ाज इस्तेमाल करें जो अम्मी ने किए थे लेकिन उसे नसीहत करना भी ज़रूरी था बखुदा मैं नहीं खोलती हूँ मैं तो चुप ही रहती हूँ लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं आइंदा उनके सामने मुंह खोलूँगी ही नहीं बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो चाय भी स्ट्रॉ से पी लिया करूंगी इसमें बहुत थोड़ा सा मुंह खोलने से गुजारा हो जाता है ठीक है ना वो पूछ रही थी इसके इस तरह कहने पर समी को हंसी आ गई जिसे बमुश्किल रोका था उसने कोना नसी की जानब देख रही थी पर वह एकदम उठ खड़ी हुई रुकें समी ने उसे उठते देख कहा था वो कुछ हैरान सी होकर मुड़ी फिर चिड़कर बोली एक और हिचकी आपको पानी पीने की ज़रूरत है समी साहब अब की बार समी अपना कहा जब नहीं कर पाया था यह ऑइनमेंट लगा लें चेहरे पर उसने सोफ़े के साथ पड़ी तिपाई के दराज से एक ट्यूब निकाल कर उसे दी वह इसके हंसने पर जरा हैरान तो हुई मगर उसने ऑइनमेंट पकड़ ली थी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं खाला बन गई हूँ नैना ने शायद चौथी बार ये जुमला कहा था सोफ़िया को इसके अंदाज़ पर हंसी आई वो बहुत खुश नज़र आ रही थी सोफ़िया को अंदाज़ा नहीं था कि एक नन्ना सा वजूद उसे इतना खुश कर देगा नैना और वो नर्सरी से बच्चे को देखकर वापस आ रही थी और अब जरी को इसके मुतिक तफसील से बता रही थी उन्होंने मोबाइल से इसकी पिक्चर्स भी ली थी जरी वो पिक्चर्स देख देख कर वारिस सदके जा रही थी उसे अभी चलने की इजाज़त नहीं मिली थी लेकिन वो दो चीज़ों के लिए बेचैन हो जा रही थी वो अपने शोहर से मिलना चाहती थी और अपनी बच्ची को गोद में लेना चाहती थी लेकिन दोनों ही काम फ़िल वक्त हो नहीं पा रहे थे असफर तो घर जाते हुए कह गया था कि सारी रात जागते रहने के बाद

मज़े में हमसे पूछो टांगे थक गई हमारी ठंडे कॉरिडोर में बैठे बैठे हमें रात से टेंशन दे रखी थी तुमने हम सब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल चल कर तस्वीर करते हुए तुम्हारे गुनाहों की माफ़ियाँ मांग मांग कर हलकान होते रहे कि या ला ये लड़की बेहद गुनागार सही लेकिन इस पर करम कर दे उसे माफ़ कर दे और इसे इस मरहले की हर तकलीफ़ से बचाते हुए आसानी था फरमा नैना ने मुस्कुरा कर कहा वो कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी सूफिया बार बार इसके अंदाज़ को बहौौर देख रही थी ये एक बड़ा प्यारा एहसास था वो सब नए रिश्तों से इस्तवार हो रहा था ज़री माँ बत गई थी और वो नानी जबकि नैना खाला बन जाने की खुशी में खुश थी इसकी बेटी अगरचे बहुत कमज़ोर थी इसका वज़न काफ़ी कम था लेकिन वो ठीक थी नैना को इस गुलाबी गुलाबी वजूद पर इतना प्यार आ रहा था कि दिल चाहता था उसे पकड़कर गोद में ले ले तो जरी तो फिर भी माँ थी इसकी बेचैनी को वो बखूबी समझ पा रही थी इस नए रिश्ते का एहसास ही बहुत प्यारा था सोफिया दोनों बेटियों को देखकर खुश हो रही थी नैना का मिजाज बहुत दिन से बहुत ज़्यादा खुशगवार था वरना तो वो जब भी इनकी तरफ आती थी ऐसा बुझा हुआ चेहरा लेकर आती कि उन्हें देख देख कर हॉल पढ़ते थे खानदान में एक नन्े मुन्ने फ़र्द का इजाफा बड़ा खुशायन साबित हुआ था मैं क्यों होने लगी गुनाहगार तुम होगी मैंने तो आज तक माँ बाप के हुक्म के बगैर पाँव भी घर से नहीं निकाला जरीन नकाहत के बावजूद इसकी शरारत भरे अंदाज़ के जवाब में उसे चिड़ाना चाहा लेकिन वो एकदम से चुप हो गई इसके चेहरे के बदलते रंग सोफिया साफ़ महसूस कर रही थी अच्छा ज़्यादा बातें मत करो टाके लगे हैं ताज़ा इनका ख्याल करो ज़रा और नैना तुम खाना खा लो चिकन कड़ाही बना कर लाई हूँ इसके बाद ज़रा आराम भी कर लो फिर वक्त नहीं मिलेगा अलीम कह रहा था कि हम बेबी देखने आएंगे तुम्हारी खाला आती होंगी शायद आपा जैनब वगैरह भी आएँ सोफिया ने बसलत बात संभाली जरी को एहसास नहीं था कि इसकी बात पर नैना का क्या असर हुआ है अब तुम्हारी बारी है नैना तुम भी सुना दो हमें खुशखबरी कब तक सौकन और इसकी औलाद को पालती रहोगी जरी ने नैना को मुखातब किया नैना चन्नमे चुप रही फिर उसने कंधे उछकाए थे खुशखबरी तो है मेरे पास भी नैना ने खाने वाली बास्केट तिपाई पर रखते हुए और खोलते हुए मुस्कुराते हुए कहा सोफिया ने बेहद चौंक कर उसकी जानब देखा वो सच कह रही थी उन्होंने कभी इस बेटी से ऐसी सुनगुन ली ही नहीं थी तुम यहाँ ऑपरेशन थिएटर में हाई हाई कर रही थी वहाँ एंडी मरे ने बिल्डिंग जीत लिया है नैना ने इतमनान से प्लेट में खाना निकालते हुए उसे बताया सोफ़िया ने कुछ नहीं कहा लेकिन उन्हें यह मजाक जरा पसंद नहीं आया था तुमसे इसी खुशखबरी की उम्मीद थी हमें तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर एंड एक कब आ रहा है हमें तो इससे गर्ज होगी तुम्हारे हस्बैंड कहते नहीं तुम्हें कुछ एमन को भी शौक नहीं है किसी मुन्ने भाई का असफर तो शादी के अगले दिन से ही बेबी की बातें करने लगा था वो तकलीफ में होने के बावजूद बहुत बोल रही थी सोफिया ने नैना के चेहरे की तरफ देखा जो शर्म से या शायद गुस्से से सुरख हुआ जा रहा था वो चुपचाप खाने में मगन हो गई जैसे जरी की बात सुनी ही ना हो असफर से याद आया पता नहीं क्या कर रहा होगा मेरा बेचारा मियाँ अम्मी मेरा मोबाइल तो दे दें असफ़र उदास हो गया होगा ना एक कॉल तो कर लूँ उसे वो चुप रहने पर तैयार ही नहीं थी इससे ज़्यादा तो तुम उदास हो ही जा रही हो मगर अभी सब्र करो दे दूँगी मोबाइल भी निरा बीमारियों का घर है पता है हमारे ज़माने में बड़ी बुढ़िया अखबार साले पढ़ने और टीवी देखने की भी इजाज़त नहीं देती थी कि चिल्ले में ये सब करो तो नज़र कमज़ोर हो जाती है सोफ़िया ने कहा अस पर बीवी और बच्ची को देखने के लिए अब तक हॉस्पिटल नहीं आया था अब वो ज़माना नहीं रहा अम्मी ये नया ज़माना है अब तो ऑपरेशन के फ़ौर बाद जब तक माँ मेटर्निटी गाउन में ख़ुद अपनी सेल्फियाँ लेकर फेसबुक पर अपलोड ना कर दे मज़ा नहीं आता जरी ने हंसते हुए कहा सोफ़िया भी मुस्कुरा दी और बेटी की दिली सुकून की दुआ की थी नैना का ध्यान अभी भी इनकी जानब नहीं था उन्होंने इसके लिए सद दिल से दुआ की थी या अल्लाह मेरी इस बेटी की भी गोद भर दे इसको भी पुरसकून जिंदगी अता फरमा आमीन वो दिल से चाहती थी कि इसकी आजमाइशें अब ख़त्म हो जाएँ कहाँ है तुम्हारी लाडो रानी ये इसी रोज़ दोपहर की बात थी काशिफ खिलाफ तो दोपहर के खाने पर आ गए थे और आते ही पहला सवाल उन्होंने नैना के मुतल किया था वो घर नहीं है वो रोज़ाना इस वक्त घर से बाहर होती है सोफ़िया ने इनकी जानब देखे बिना जवाब दिया काशिप ने उनके अंदाज को बखौर देखा ये ऐसी काबिल फ़ख्र बात भी नहीं है कि तुम यूँ गर्दन अखड़ा कर मुझे बताओ सोफ़िया वो रोज़ाना इस वक्त घर से बाहर होती है उन्होंने जुमला मुकम्मल करते हुए सोफ़िया की नकल उतारी फिर तंजिया अंदाज़ में मज़ीद बोले ये तो मुझे भी पता है सवाल यह है कि अगर वो इस वक्त घर नहीं होती तो कहाँ होती है और किसकी इजाज़त से जाती है वो घर के बाहर सोफ़िया ने एक नज़र उनकी जानब देखा वो जॉब करती है काशिफ अब से नहीं चार सालों से ये बात आप भी जानते हैं कि वो ट्यूशन पढ़ाती है खुद कमा रही है ताकि अपनी ट्यूशन और कॉलेज की फ़ीस अदा कर सके और आप ये भी जानते हैं कि इसने कई सालों से आपसे अपनी फ़ीस के लिए एक आना भी नहीं लिया तब तो आप कुछ नहीं कहते थे एकदम इसके जॉब करने पर आपका एतराज़ मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन है इस बात पर इतने सालों बाद आपका इस तरह वावेला मचाना मेरी समझ से बाला है सोफ़िया ने भाप लिया था कि अब इतने गुस्से में नहीं है सो वो अपना मौकाफ़ पेश कर रही थी काशिफ ने नज़रें चुरा लीं तुम मुझे इस बात का ताना दे रही हो वो नाराज़गी भरे लहजे में बोले नहीं ताना किस बात का दूंगी इस उम्र में अब मैं तो फ़कत आपको बावर करवाना चाह रही हूँ कि आप अपनी नाइंसाफी याद कर लें आपने जो रात को किया है वो कतन काबिल बर्दाश्त नहीं है काशिफ जवान औलाद को इस तरह कौन धुनक देता है वो भी बेटी साथ को सोफिया त भरे लहजे में कह रही थी लेकिन काशिफ ने गुर्रा कर उसे देखा और कहा सोफ़िया तुम हमेशा इसी का साथ क्यों देती हो इसकी अंधी हिमायत क्यों करती हो वो जो बकवास कर रही थी रात क्या बेटी ज़ात को जचती है ऐसी बातें बाप को ऐसे ताने देती हैं बेटियाँ इन्हें फिर से गु़स्सा आने लगा सोफ़िया ने एक नज़र भर कर उन्हें देखा इनका दिल दिलचहा हिम्मत करके कह दें कि वो ताने कब दे रही थी वो तो सच ही कह रही थी मगर शोहर की बात बर्दाश्त करने की आदत अब इनकी खून में ऑक्सीजन की तरह जज्ब हो चुकी थी वो पलट कर ताना देना भूल चुकी थी मैं ये कब कह रही हूँ वो भी गलत कर रही थी बाप के आगे ज़बान चलाना दानिशमंदी तो नहीं है मगर वो लम्हा भर के लिए चुप हो गई फिर मज़ीद बोली आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था काशिफ। ऐसे तो वो मज़ीद खुद सर हो जाएगी इतनी भी सुरमाना समझो अपनी बेटी को सोफ़िया मुझे सीधा करना आता है उसे अब वो मजीद एक लफ्ज़ भी बोलकर कर दिखाए मेरे सामने जान निकाल कर यहीं दबा दूंगा मिट्टी में इसको तुम्हारे सामने वो गुर थे फिर सोफ़िया के चेहरे पर फैले तो को नज़रअंदाज़ करते हुए मज़ीद बोले वो आए तो उसे समझा देना कि बस आज का दिन आखिरी था कर ली अपनी मर्जी जितनी करनी थी अब दोबारा वो समीर अंधावा के घर आया बनकर नहीं जाएगी वरना मैं अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा समीर अंधावा सोफिया ने यह नाम पहली बार इसी दिन सुना था मैं तो इस शख्स को जानती भी नहीं कौन है ये ये बात तुम अपनी बेटी से पूछो तो ज़्यादा मुनासिब होगा और इसके लिए रिश्ता देखो कोई अपने बहन भाइयों को बोलो कि बताएं किसी लड़के के बारे में अपने मिलने वालियों से कहो इस काबिल नहीं है कि रिश्ता घर चल कर आ जाए ना शक्ल ना अकल बस जबान ही ज़बान है आसानी से कोई नहीं आएगा बहाने इस सौगात को हमें ही हाथ पाँव मारने पड़ेंगे अपनी बहन को बोलो कोई भी मुनासिब सा रिश्ता हो तो हमें बताएँ ज़ात बिरादरी घर बार शक्ल सूरत की टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं बस चलता फिरता कोई भी इंसान का बच्चा मिल जाए और अपनी बहन को बोल देना कि मैं इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने के लिए दिल खोल कर रुपया खर्च करने को तैयार हूँ काशिफ ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया सोफ़िया को इनकी बात सख्त बुरी लगी कि इनके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया लेकिन साथ ही इनके रवैये ने उन्हें तजबजब में डाल दिया था इन्हें नैना पे भरोसा था लेकिन काशिफ ने जिस अंदाज में इस गैर मर्द का इनके सामने तस्करा किया और फिर इसके रिश्ते के लिए उछलत भरा अंदाज़ अपनाया वो सोच में पड़ गई थी कि शायद नैना का किसी के साथ कोई सिलसिला है और काशिफ को इसकी सुनगुन मिल गई है तभी वो इस कदर बर हो रहे हैं लेकिन उन्होंने दिल ही दिल में तहैया कर लिया कि मामला कुछ भी हो वो इस बार नैना का ही साथ देंगी आप हर दफ़ा मेरी बेटी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते काशिफ निसार साहब अगर ज़री अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है तो नैना को भी अपनी मर्ज़ी से शादी करने का पूरा इख्तियार हासिल है उन्होंने जल सोचा था यह समीर अंधावा कौन है उन्होंने चाय का कप पैरेंडोल की दो टैबलेट्स के साथ उसके सामने रखते हुए बहुत आम से अंदाज़ में सवाल किया वो नहीं चाहती थी कि नैना भड़क उठे वो अपने लहजे को जितना नरम कर सकती थी इतना ही नरम रखा था उन्होंने खिलाफ इतव नैना भड़की नहीं थी ना ही हैरान हुई थी आपको भी ख़बर हो गई आखिर उसने आम से अंदाज़ में कहा इसने सारे चेहरे पर कोई दवा लगा रखी थी जो खुद ही कहीं से लाई थी कौन है ये शख्स तुम तो कैसे जानती हो इसे सोफिया ने अगला सवाल किया जानती वो थी कि इसकी मर्जी नहीं होगी तो वो उसे जवाब नहीं देंगी लेकिन फिर भी वो पूछना चाहती थी और चाहती थी कि नैना एक बार इसके सामने ऐतराफ़ तो कर ले तो उसे यकीन दिला सके कि वो इसकी हमायत में अब की बार इतना ही आगे जाएंगे जितना वो जरिए की तफ़ा कई थी लेकिन वो एतराफ़ करती तो सही इसका मतलब है आज अब बाकी दर्शन कसन तशरीफ़ लाई थी हमारे घर इसने उल्टा इन्हीं से सवाल कर लिया सोफ़िया को झटका लगा इनका यहाँ क्या जिक्र वो हैरान हुई नहीं वो तो अरसा हुआ नहीं आई जब से तुम्हारे अब्बा ने उन्हें कर्ज देने से इनकार किया है तब से उन्होंने इस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा ज़मीन खा गई हो जैसे उन्हें और इनका यहाँ क्या जिक्र सोफ़िया ने उसे कम और ख़ुद को ज़्यादा यकीन दिलाया था क्योंकि काशिफ ने इनको अपनी कज़न के गायब हो जाने की यही वजह बताई थी नैना तन्ज़िया अंदाज से फँसी क्यों मजाक करते हैं ज्यादा काशिफ निसार वो नहीं आई तो फिर किसने बता दिया आपको समीर रंधावा के बारे में वो इनकी आंखों में झांक रही थी सोफिया ने पलके झपकी वो वाकई नहीं ना, नहीं आई नैना मेरे सामने तुम्हारे अब्बा ने लिया था इस शख्स का नाम क्या मामला है कौन है ये शख्स वो हैरान थी अब की बार नैना ने नजरें चुराई आप मेरे अब्बा से ही पूछ लेती ना फिर इनको तो सब पता है नैना उन्हें कुछ बताने के मूड में नहीं थी तुम सब लोग मुझे ही चाबी वाला भालू समझ कर घुमाते रहा करो इनसे पूछो तो कहते हैं कि अपनी बेटी से पूछो और बेटी कहती है अबा से पूछो वो नाराज सी थी वो जिस मामले को बेटी से मुतक समझ रही थी वो तो कुछ और ही लग रहा था नैना ने चुपचाप अपना कप उठाया और मुँह से लगा दिया वो भी कुछ बताने के मूड में नहीं थी सोफिया को दुख तो हो ही रहा था उन्हें बुरा भी लगा तुम्हारी मर्जी मत बताओ तुम भी कुछ लेकिन ये भी सुन लो कि तुम्हारे अब्बा ने सख्ती से मना किया है तुम दोबारा इस शख्स के घर नहीं जाओगी मेरा काम था तुम्हें बताना मैंने बता दिया अब तुम जानो और तुम्हारे अब्बा सोफिया ने चाहा कि वो इस मामले को खुद ही बखूबी निपटा दें लेकिन जब बेटी ही करने को तैयार नहीं तो वो क्या कर सकती थी आप भी अब्बा को बता दीजिएगा कि अब मैं इनकी कोई बात नहीं मानूंगी वो मुझ पर हुक्म चलाने के सारे अख्तियार कल रात को खो चुके हैं एक बद किरदार रिश्तेदार की खातिर अब्बा ने मेरे दिल से अपनी रही सही खुरचन लगी इज़्ज़त भी ख़त्म कर डाली है अब मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं मैं आपके सामने इन्हें अपनी मनकूला और गैर मनकूली जायदाद से आग करती हूँ इनसे कह दीजिएगा कि अपनी इज़्ज़त प्यारी है तो दोबारा मेरे किसी मामले में मत बोलें वरना मैं घर से भाग जाऊँगी वो इंतहाई अंदाज में बोली सोफिया इसका चेहरा देखती रह गई थी दोपहर तो को इन्हें काशिफ पर गुस्सा आ रहा था और बिना पर गुस्सा आ रहा था इनकी बात की इस घर में कोई अहमियत ही नहीं थी वो अपने आंसू छुपाती वहाँ से उड़ गई थी उन्हें अंदाजा था कि आने वाले दिनों में इनके घर के हालात मजीद बिगड़ने वाले थे कौन कहाँ है वो अब तक क्यों वापस नहीं आई एमन की गुलगिर सी आवाज इसकी समातों से टकराई थी वो ऑफिस से वापस आया ही था और इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सूरत हाल होगी वो तो समझ रहा था कि कौन हॉस्पिटल से वापस आ चुकी होगी लेकिन ऐमन के जुमले से इस पर मुनकशिफ हुआ था कि वो अब तक वापस नहीं आई वो टाई की नोट ढीली करता अंदर आया ऐमन डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और अम्मा रजिया भी इसके पास अपना सर पकड़े बैठी थी ऐमन बिलाशुबा नैना की गैर मौजूदगी से सख् नाराज थी वो सुबह भी नैना को घर में मौजूद ना पाकर होने लगी थी समी बहुत मुश्किल से डांट टपट कर उसे स्कूल छोड़ कर आया था और अभी वो रोहान सी हुई बैठी थी ऐसा लगता था स्कूल से वापस आकर इसने ठीक से हाथ मुंह भी नहीं धोया है समी इसके पास ही आ गया था हालाँकि इसका इरादा था कि घर जाते ही शावर लेगा और सो जाएगा रात भी ठीक से सो नहीं पाया था अब सर में अजीब सा दर्द हो रहा था वो अपने घर गई हुई बेटा समी ने अपने कमरे में जाने का इरादा तक किया और एमन के करीब वाली कुर्सी पर बैठ कर बहुत तामुल से बोला हालाँकि उसे बिला वजह गु़स्सा आ रहा था उसे लगा इसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है अम्मा रजिया ने चौंक कर उसे देखा वो इसकी आमद से बेखबर थी अरे बेटा तुम आ गए मेहरबानी करो इस बच्ची को संभाल लो ये नहीं सुनती अब मेरी इन्हें तो बस कौन चाहिए भूल गई हमें जब हमारी गोद के अलावा नींद आया करती थी इनको अम्मा रज़िया मसनू नाराज़गी भरे अंदाज़ से बोली समी ने ऐमन की आंखों में देखा और मोहब्बत से इसके बालों पर हाथ फेरते हुए इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया ऐमन के चेहरे के तसुर में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई थी क्यों तंग कर रही हैं आप अम्मा रजिया को देखो वो नाराज़ हो गई हैं आपसे समी ने उसे समझाना चाहा उसने समी की बात सुनी अनसुनी कर दी समी अपनी ही बेटी के सामने कभी कभी ख़ुद को बेहद अनजान महसूस करता था इसकी और एमन के तल्क़ात कभी भी बहुत खुशगवार नहीं थे हालांकि वो जब भी जहनी खल्फशार का शिकार होता तो एमन को ज़रूर वक्त देने की कोशिश करता लेकिन एमन का रवैया बाज़ बाज़ा बिल्कुल मनफी हो जाता था वो कौनैन से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी थी कौनैन की चंद घंटों की गैर मौजूदगी भी इसे गिरँ गुज़रती थी कौनैन कहाँ है वो वापस क्यों नहीं आई अब तक वो सवाल कर रही थी और साथ ही अपना हाथ सभी के हाथ से छुड़वा लिया वो अपने पेरेंट्स के घर पर हैं उनके पेरेंट्स को उनकी ज़रूरत है वो एक दो दिन में वापस आ जाएंगी इनकी बहन को अल्लाह करीम ने एक बहुत प्यारा सा बेबी दिया है ना वो इसीलिए वहीं हैं समी ने वजाहत की जरी खाला को वो पूछ रही थी चेहरे पर कुछ हैरानी थी समी को कौनैन की बहन का नाम तो याद नहीं था लेकिन इसने इस बात में सहरा दिया लेकिन मैं उनको मिस कर रही हूँ ना मुझे पढ़ाएगा कौन मुझे उनकी ज़रूरत है ये है ना उनका घर वो किसी के घर क्यों गई है और अगर उनको जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाती वो मुझे क्यों साथ लेकर नहीं गई उन्होंने जाने से पहले मुझे बताया भी नहीं ये बहुत बुरी बात है आप उनको कॉल करें और प्लीज़ कहें कि मुझे भी ले जाए मुझे भी यहाँ नहीं रहना वो रुकी हुई जा रही थी समी को उसका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मगर उसने तहमुल से काम लिया ओवर रिएक्ट करना बंद करो ऐमन आप पहले खाना खाओ अपना होमवर्क मुकम्मल करो इसके बाद मैं उन्हें कॉल कर दूंगा वो वापस आ जाएंगी लेकिन अगर अब आपने रोना धोना मचाया अम्मा रज़िया को तंग किया तो मैं फिर उन्हें कभी भी वापस नहीं लाऊंगा इसने सख्त लहजे में बेटी को तंग की उसकी आंखें भीग गईं लेकिन वो सहम कर चुप हो गई शहरीन ने खाना खा लिया था समी ने सवाल किया अरे भैया इनकी भी मत पूछो वो भी सुबह से चुपचाप पड़ी हैं ना कोई जिद कर रही हैं ना कुछ बोल रही हैं और मुंह से कुछ भी नहीं बोले मगर वो भी कौनान बिटिया को मिस कर रही हैं और उन्हीं के लिए उदास लग रही है बहुत मुश्किल से दलिया खिलाया है उन्हें मैंने अभी दस मिनट पहले ही सोई हैं अम्मा रज़िया ने इसका चेहरा बगौर देखते हुए जवाब दिया फिर इससे पहले कि वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता वो बोली आप कॉन बिटिया को फ़ोन कर देते कि अब वापस आ जाए ये तो नहीं समझेंगी हमसे अमा रजिया तो खुद उदास हो ही जा रही थी समी को इनकी बात पर मज़द गुस्सा आ गया सारा घर ही इस छटांग भर की लड़की के लिए उतावला हुआ जा रहा था ये बात इनको भी तो पता है ना कि ऐमन नहीं रहती उनके बगैर मैं नहीं करूँगा किसी को भी फोन आना होगा तो खुद ही आ जाएंगी और आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन छोन करने की वो चिड़कर बोला था इसे खाने को दें कुछ खाना खिलाएं इसे और अगर ये नहीं खाएगी तो मुझे बताइएगा समी ने दूसरा हुक्म जारी किया और फिर उठकर अपने कमरे में आ गया ऐमन का रवैया कॉनैन की गैर मौजूदगी में पहली बार ऐसा नहीं हुआ था वो अक्सर इसी तरह भी गड़ जाती थी जैसे कौनैन से बढ़कर उसे कोई अजीज़ ही ना हो और ये बात समी को बाज़ात बहुत नागवार गुजरती थी अभी भी ऐसा हुआ था लेकिन आज का गुस्सा कुछ और तरह का था उसे झंझलाहट हो रही थी कॉनैन अब तक वापस क्यों नहीं आई उसे वापस आ जाना चाहिए था वो उसे खुद ही कह कर आया था कि जब तक रहना हूँ अपनी बहन के पास रह ले लेकिन वो देख रहा था कि इस तरह तो इसके अपने घर का निज़ाम बिगड़ने लगता था और ये बात उसे झंझलाहट में मुबला कर रही थी क्या हम सब कौन के इस कदर आदि हो गए हैं कि एक आध दिन भी इसके बगैर रहना मुश्किल हो जाता है वो सोच रहा था सबसे बढ़कर बढ़ ऐमन का रवैया उसे बहुत परेशान कर रहा था उसने ऐमन को बिगाड़ने के लिए तो कौन से शादी नहीं की थी कहाँ है समी वो घर से निकलकर ऑफिस जाने के बजाय पहले हॉस्पिटल पहुंचा था जब अम्मी की कॉल इसके मोबाइल पर आई शहरीन को रात किसी वक्त होश आया था उसने आंखें खोली लेकिन फिर दोबारा खनूदगी में चली गई समी अमूमन दोपहर के बाद इसके पास आता था लेकिन आज वो जल्दी आ गया और अब इसके बिस्तर के पास बैठा इसके धीरे धीरे घुलते वजूद को देख रहा था वो शहरीन नहीं थी इसकी शक्ल इसका वजूद बिल्कुल बदल कर रह गया था कैंसर की अफ्रियत ने जैसे उसे खा लिया था समी की आंखें भीगने लग गई थीं इसने नापसंदीदगी से फ़ोन उठाया क्यों क्या हुआ इसने पूछा अम्मी की कॉल उसे हाई अलर्ट कर देती थी वो तेरा होने वाला सोहरा आया था अभी खूब घन घरज के बरस कर गया है बस यही दिन देखने रह गए थे रंधावों की इज़्ज़त दो कौड़ी की करके गया है अम्मी को बात तवील कर देने की आदत थी समी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो किसकी बात कर रही हैं इसने जे छोकर इधर उधर देखा कोई नर्स वग़ैरह मौजूद तो नहीं फिर अंदाज़ा लगाते हुए आहिस्ता से बोला शहरीन के फ़ादर की बात कर रही हैं उन्हें बोलें कि मैं हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त घर आकर बात करता हूँ आप उन्हें चाय पानी पूछें इनका ख्याल रखें मैं उसने इतना ही कहा कि अम्मी ने उसकी बात काट दी और ख़्याल रखती है मेरी जूती मैं नौकर नहीं हूँ तेरे घर की ये बात अपने नौकरों को समझा और बात सुन शहरीन का फादर नहीं आया था ये जो बला पाल रखी है ना तूने उजरत पर एमन की नौकरानी इस कबाप आया था अच्छा जलील करके गया है समी को अम्मी के ज़्यादा बोलने से भी चिढ़ होती थी अम्मी ने जेब दास्तान के लिए चार टाँकें खुद ही जड़ दिए थे कौनैन के बाप की बात कर रही हैं आप वो क्यों आया था उसे गुस्सा आया जिंदगी में इसके लिए परेशानियां रोज बरोज बढ़ती जा रही थी अब ये तो मुझे नहीं बताया उसने लेकिन अपनी बेटी का पूछ रहा था कह रहा था मेरी मर्जी के बगैर आयागिरी कर रही है तुम्हारे घर मुझे पसंद नहीं है बात बस बुलाओ मेरी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा अम्मी ने लहजे को गंभीर बनाते हुए बात मुकम्मल की थी तो ले जाता अपनी बेटी को हमने अचार डालना था इसका अब बुला देती कौनैन को हमने कौन सा बांध रखा है उसे समीर झंझरा बोला वो तो मौजूद ही नहीं थी एमन को लेके स्कूल गई हुई है ना आज इसका टेस्ट जो होना है स्कूल में दाखिले का उन्होंने बताया समीर को इस बात का भी नहीं पता था उसने गहरी सांस भरकर मुंह से एकदम सांस खारिज करी इसके आसाफ आजकल बेहद अखड़े रहते थे और इससे ऐसा लगता था जैसे वो खुद भी बीमार होता जा रहा है अच्छा आप कहाँ है वो चला गया है या बैठा है मैंने बता दिया कि भाई तेरी बेटी अभी नहीं है यहाँ आएंगी तो हम कान से पकड़कर भेज देंगे हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरानी जिसके पीछे वाले इतने जोरावर हों वैसे वो आदमी लगता ही नहीं था कि इस लड़की का बाप है ये ऊंचा लंबा गोरा चिट्टा महंगे कपड़े और जूते का शौकीन लगता था कफ लगा लट्ठे का शलवार कमीज पहन रखा था बाजू में घड़ी भी बड़ी महंगी पहनी हुई थी ये तेरी कौनैन तो गरीब नहीं लगती है बाप तो बड़ा अमीर लगता है समी ये हैं कौन सी जात के मुझे तो अपनी ही बरादरी के लगते हैं हैं वो तफसील बताते हुए इसकी राय भी लेना चाह रही थी समी का दिल चाह कान से लगा फ़ोन दीवार पर ही दे मारे मगर चूँकि वो ये कर नहीं सकता था इसलिए उसने बस ग़स्से में फ़ोन ही बंद कर दिया यार ला यह क्या मुसीबत डाल दी है मैंने अपने गले में इसने जिछू कर सोचा उसका हर फैसला इसके लिए गलत साबित हो रहा था इसने शहरीन के वजूद पर नज़र डाली वो उत्मान से गहरी नींद में गर्क थी वो चंदम है इसकी जानब देखता रहा फिर उसने झुक कर इसका माथा चूमा हर चीज़ तुम्हारे दम से आबाद थी मेरी जान पलट आओ मुझसे नहीं सँभाला जा रहा कुछ भी तुम्हारे बग़ैर तो कुछ भी नहीं हूँ मैं उसने बहुत धीमी आवाज़ में उसे मुखातब करते हुए कहा जैसे वो इसकी बात सुन रही हो वो मजीद कुछ देर इसकी जानब देखता रहा इसका चेहरा नाक मुंह इसकी आँखें उंगलियाँ हती कि इसकी पेशानी के गिरद भी एक नाली लगी हुई थी दो वो, वो चलती फिरती इंसान नहीं थी एक मशीन लगने लगी थी समी की आँखें फिर फीक गई इसने सरपटे के सन ग्लासेस उतार कर आँखों पर लगा लिया और अब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था कौनैन को ज़रा स्टडी में भेज दीजिए अम्मा रज़िया उसने घर पहुंचते ही सबसे पहले इस मुसीबत को निमटा लेने का तहैया कर लिया था रोज़ रोज़ की परेशानी नहीं पाल सकता था वो उसे इस मसले को आज ही जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी हो गया था इसीलिए वो सात बजे ही घर पहुंच गया था क्योंकि कॉन्न को ड्राइवर नौ बजे तक घर छोड़ आता था अमार को इस बुलाने का समझ नहीं आया मगर वो फिर भी अपने कमरे में जाकर उसको बुला आई इस पर सख्त झुंझुलाहट सवार थी इसलिए उसने पहले शावर लिया कपड़े तब्दील किया और फिर स्टडी रूम की जाने पाया उसने अकब से देखा तब तक वो वहाँ आकर बैठ चुकी थी समी ने दरवाज़े पर उंगली की मदद से हल्की सी दस्तक दी ताकि वो ज़रा अलर्ट हो जाए फिर वो अंदर दाखिल हो गया इसकी पहली निगाह इसके चेहरे पर ही पड़ी थी नील ज़रा कम हो गए थे और चेहरे पर सुरख़ी भी पहले से कम हो चुकी थी लेकिन ख़राशें अभी भी नुमाया थी इसका चेहरा देखते हुए समी को इसके बाप पर एकदम फिर से गुस्सा आया और ये सोचकर मजीद आया कि वह शख्स इसके घर तक आ गया था वो इसके सामने बैठ गया वो खिलाफ मामूल कुछ शर्मिंदासी नज़र आती थी उसे यकीनन पता चल चुका था कि इसके वालद मोहतरम यहाँ क्या करके गए हैं आप फिर फोर अपनी चीज़ें लीजिए अब मज़िया से अपना हिसाब क्लियर करें और मेरे घर से चली जाएं। मुझे आपकी सर्विस की कतान कोई ज़रूरत नहीं मैं दोबारा आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता अपने घर में इसके बैठते ही इसका गुजश्तर रोज़ का बोला गया जुमला मेनो अन दोबारा दोहरा दिया गया ये समी के दिल की आवाज़ थी वो काफ़ी नाराज़ था आज आज वाले वाक़े पर लेकिन कॉनैन के ऐसे कहने पर जाने क्यों उसे हंसी आ गई जिससे इसने मुस्कुराहट तक महदूद रखा इस लड़की के लिए हर मुश्किल काम कुछ अलग ही अनोखा होता था यही कहना चाहते हैं ना आप वो इसकी तरफ देखे बिना पूछ रही थी समीर ने सर हिलाया, फिर बाएं टांग पर दाएं टांग रखकर अपने अंदाज़े नशस्त को आरामदेह बनाते हुए इसने सर हिला दिया जी क्योंकि इस मसले का वायद हल ही यही है मैं इतराफ़ करता हूँ कि मेरा फ़ैसला गलत था मुझे आपको हायर नहीं करना चाहिए था आप इस जॉब के काबिल नहीं हैं या यूँ कह लेकिन ये जॉब आपके काबिल नहीं है इसने इतना ही कहा कि कॉनैन ने इसकी बात काट देनी चाहिए समी ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का कहा फिर अपने होटों पर उंगली रखकर उसे खामोश किया चुप रहें आज आज आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगी खामोशी से मेरी बात सुनें मैंने आपसे कहा था ना कॉनैन मैं मज़ीद परेशानियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता और अब तो मेरी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है मेरे घर में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शख्स मुंह उठाकर आ गया हो और इस तरह से शोर शराबा करने लगा हो मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी मदर ज़रा और तरह के मिजाज की हैं वो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती हैं और अब सारी सूरत हाल से मेरी अम्मी अलग नाराज़ हैं वो चुप नहीं रहेंगी ये मामला मेरे फादर तक भी पहुँचेगा वहाँ फैसलाबाद तक मेरी चुपकी होगी यहाँ घर का माहौल अलग ख़राब हो रहा है और फिर समी ने अगली बात करने से पहले इसका चेहरा एक बार फिर गौर से देखा इसकी आंखों में एक दर्द था जो इसके लिए बहुत नया था समीर चुपसा हो गया उसे रोती हुई गैर लड़की को चुप कराने का कोई तजुर्बा ही नहीं था इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ अब दरअसल गुस्से के तेज़ हैं इनकी नाराज़गी अब तक मुझसे ख़त्म नहीं हुई है ना इसीलिए सब कुछ किया है उन्होंने वो बड़ी धीमी सी आवाज़ में वजाहत कर रही थी समी ने तासों से सर हिलाया आपके फ़ादर को यह नहीं करना चाहिए था इस तरह से किसी के घर जाकर शोर शराबा करना वावेला मचाना महजिब लोगों का शेवा नहीं होता वो जिस तरह तमाशा बनाकर गए हैं मेरे घर में आपको अंदाज़ा भी है कि इससे मेरे लिए कितनी परेशानियाँ पैदा हो गई हैं अम्मी बता रही थी कि वो कहकर गए हैं आपकी यह जॉब इनकी मर्जी और मंशा के ख़िलाफ़ है और ये भी कि वो नहीं चाहते कि आप किसी छोटी बच्ची की आया आयागीदी की करें मुझे इसी बात का डर था और देख लें वही हो रहा है समी का लहजा इंतहाई संजीदा हो गया था ये बात तो उसे बहुत बुरी लगी थी मैं ये सब रोज़ रोज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कौनैन इसने दो टोक लहजे में कहा था कॉनैन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला फिर चुप हो गई वो वाक़ा शर्मिंदा सी नज़र आती थी वरना इसके चेहरे पे ये रंग समी ने पहले कभी नहीं देखे थे शायद इसीलिए आज वो ज़्यादा बोल भी नहीं रही थी मैं आई एम सॉरी बोल तो रही हूँ चंद लम्हे की खामोशी के बाद इसने दोबारा कहा समी को इसके इस मासूम से अंदाज पर तसुफ़ महसूस हुआ इसके चेहरे पर शर्मिंदगी बढ़ने लगी थी समी को इस पर तरस आया जाने वो किन हालात से गुज़र रही थी बातचीत से वो हमेशा एक अच्छी फैमिली का फ़र्द लगी थी उसे तौर तो तरीके भी महजिब थे उसके लेकिन मुँह पट तो वो थी और अम्मी ने इसके बाप का जो नक्शा खींचा था इससे भी समी को अंदाज़ा हो गया था कि इसके सब आदात अपने बाप से ही इसको मिली हैं और फिर इसके चेहरे पर जो कशीदाकारी की गई थी इससे भी इसके बाप की जहनीत का अंदाज़ा होता था सभी को ऐसी किसी भी फैमिली से अपने रवाबित बढ़ाने की कोई दिलचस्पी नहीं थी मैं जाऊँ अब इसके खामोश होते ही वो पूछने लगी आज इसका अंदाज़ बिल्कुल बुझा हुआ था समी को यकीन नहीं आया था कि वो इतनी आसानी से इसकी बात मान लेगी इसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया फिर जैसे उसे एक ख़्याल आया यकीन करें मुझे आपसे और कोई शिकायत नहीं लेकिन जो भी है आपके सामने है मैं एक फेवर कर सकता हूँ आपकी आप अपनी सी वी दे दें मुझे आपके लिए किसी बेहतर जॉब का बंदोबस्त कर दूँगा इसने अपनी जानब से तो इसके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करी थी मैं जाऊँ अब वो कुछ पूछने के बजाय अपना सवाल दोहरा रही थी समी ने कंधे अंधे हो तो वो इसके साथ भलाई ही करना चाह रहा था लेकिन जब इसको ज़रूरत ही नहीं तो वो क्या कर सकता था जी वो यही कह सका कौन ने अन्ना हाथ में पकड़ी फाइल इसके सामने कर दी ये एमन के एडमिशन पेपर्स हैं दस तारीख से पहले फ़ीस जमा करवा दीजिएगा और यूनिफॉर्म किताबें वग़ैरह भी इसी दिन स्कूल पर मिल जाएंगी इसने एडमिशन के लिए बहुत मेहनत की थी बहुत खुश है वो मैं जानती हूँ आप अपनी मिसेस की वजह से काफ़ी परेशान हैं लेकिन एमन के लिए सेलिब्रेशन का मौका है प्लीज़ उसे अच्छी तरह सेलिब्रेट कीजिएगा बच्ची है खुश हो जाएगी बच्चियाँ बहुत हसास होती हैं समी साहब छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हैं छोटी छोटी बातों से बहल भी जाती हैं आप इसकी कामयाबी को इसके साथ शेयर कीजिए उससे अच्छा लगेगा जब बाप बेटियों की कामयाबियों में हिस्सेदार बनते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये एमन का ख्याल रखिएगा वो इसकी जानब देखे बिना कह रही थी समी को लगा वो इसकी बेटी के मुतालिक नहीं अपनी बेटी के मुतालिक बात कर रही है उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो एमन से इतनी मोहब्बत करती है उसका दिल चाह कि उसे एक बार फिर रोक ले इसने बामुश्किल ख़ुद को कुछ कहने से रोका वो चुपचाप उठ कर बाहर चल दी वो इतना ख्याल रखने वाली ट्यूटर कहाँ से ढूंढेगा उसे खुद भी दुख हुआ लेकिन वो मजबूर था इससे ज़्यादा इसकी बर्दाश्त नहीं थी इसके स्टडी रूम से निकलते ही इसने सुा सांस लिया एक बड़ा मरहला आसानी से सर अंजाम पा गया था लेकिन ये इसकी खाम हाँ ख्याली थी वो उठ कर नीचे जाने के ख़्याल से बाहर आया तो ऐमन के कमरे की रोशनी जल रही थी कौनैन उसे नौ बजे से पहले ही सुला देती थी ताकि वो जब जाए तो ऐमन सोई हुई हो इसने कॉरिडोर में लगे वॉल क्लॉक की तरफ़ देखा अभी आठ ही बजे थे इसका मतलब था वो अभी मौजूद थी समय बहुत आहिस्गी से वहाँ से गुजर कर चले जाना चाहता था लेकिन कमरे से आती आवाज़ों ने उसे रोक लिया ये दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें थीं कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल बंद था इसने बिना आहट के दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन ये मुमकिन नहीं था दरवाज़ा खुलते ही चचराहट की मखसूस आवाज़ बुलंद हुई ऐमन वहाँ नज़र नहीं आ रही थी कौनैन इसके बेड पर बैठी हुई थी और चिचकने की आवाज़ें भी इसी की थीं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसने सर उठा कर देखा वो उसे कुछ नादम सी महसूस हुई फिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई साथ ही इसने हाथ की पुर से अपना चेहरा रगड़ कर साफ करने की कोशिश की ध्यान से पहले ही इतने ज़ख्म हैं आपके चेहरे पर समी से अपने हाथ के साथ इस बेदर्दी से चेहरा साफ करना देखा नहीं गया तो उसने एकदम कह दिया इसने एकदम समी की जानब देखा चलना मैं उसे ऐसे ही भीगी भीगी आंखें से देखती रही फिर वो दोबारा उसी जगह पर बैठ गई जहाँ से उठी थी अब आप क्या मुझे सुकून से रोने भी नहीं दे सकते कहा तो है कि नहीं आऊँगी दोबारा अब क्या लिख कर दूँ वो जार जार रोते हुए बोल रही थी समी अपना सर पकड़ वहीं बैठ गया अगले रोज़ वो नहीं आई थी इस रोज़ चूंकि एमन का स्कूल में इंटरव्यू था समी ने नाश्ते की मेज़ पर ही अमर अजिया को बता दिया था कि कौन नहीं आएंगी इसलिए वो एमन को वक्त पर तैयार कर दें और इसके साथ इस स्कूल चली जाए मैं वो हैरान हैं मैं कैसे जा सकती हूँ बेटा घर कौन संभालेगा खाना नाश्ता कौन करेगा सब वो इनकार नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर भी वो ये कर नहीं पा रही थी समी को इनके इस अंदाज पर हैरत हुई इससे पहले कभी उन्होंने इसकी बात से इनकार नहीं किया था ये सब इतने ज़रूरी काम तो नहीं है एमन का इंटरव्यू बहुत अहम है ये सब काम बाद में भी हो सकते हैं समी ने दो टोक लहजे में कहा अम्मा रजिया है उसका चेहरा देखती रही फिर वो इसके साथ वाली कुर्सी पर ही बैठ गई कौनैन बेटी नहीं आएंगी आज क्या इनके लहजे में तजबसब और तजस दोनों ही झलक रहे थे नहीं उसने इसी लहजे में जवाब दिया कि हसूरा अम्मा रजिया को खामोश हो जाना चाहिए था यह अगला सवाल करने से पहले काफ़ी सोचना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि फ़ौरन ही अगला सवाल दाख दिया लेकिन क्यों ऐमन का इंटरव्यू है आज तो छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी उनको उनकी तबीयत तो ठीक है ना कल वापस जाते हुए भी कुछ सुस्त दिखाई देती थी समी ने चाय के कप से तवज्जो हटाकर उनकी जानब देखा और चंद में देखता ही रहा कि वो कुछ हाइफ हो गई आप जाइए ऐमन को तैयार कीजिए वरना लेट हो जाएगा वो पहले से भी संजीदा अंदाज में बोला अम्मा रजिया अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई बल्कि उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई साफ़ी भी मेज़ पर रख दी सभी बेटा मैं जानती हूँ हालात आपकी गिरफ्त में नहीं हर आने वाला दिन आपकी मुश्किल में इजाफ़ा कर रहा है तब भी आपका मिजाज सख्त से सख्त तरीन होता चला जा रहा है लेकिन मेरी मुश्किल को भी तो समझें मैं पाँच जमाते पास औरत एमन बिटिया के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर क्या करूँगी मुझसे तो इनकी उस्तानी जी से बात भी नहीं हो पाएगी वो सब इंग्लिश बोलेंगी और मैं इनका मुँह देखती रहूँगी आप बर मेहरबानी कौन एन बिटिया को कॉल कीजिए ये ज़िम्मेदारी तो वही संभाल संभाल सकती है ना इनके लहजे में हाथ से ज़्यादा लाचारी थी समी को सख्त बुरा लगा वो जितना लाचार खुद को जाहिर कर रही थी इतनी थी नहीं अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप आप माशाल्लाह इतनी काबिल खातून हैं ऐमन को पहले पहल आप ही पढ़ाया करती थी कौन है इनको तो इस घर में आते लिटरली जुमा जुम्मा आर्ते नए हैं और आपने इतनी जल्दी हथियार फेंक दिए वो जताने वाले अंदाज़ में बोला था अम्मा के चेहरे पर तसुफ के आसार नुमायाँ थे बेटा आलि फनार बेबाबा तो मैं अब भी पढ़ा सकती हूँ लेकिन अब ऐसी पढ़ाई का रिवाज नहीं रहा ना वहाँ स्कूल में सब इंग्लिश में सवाल करेंगी इनसे तो मैं कहाँ जवाब दे पाऊँगी आप एक जहमत कीजिए इन्हें खुद ही ले जाइए ना और कौनैन बेटिया को कहिए कि ऐसे मौक़ों पर छुट्टी से एतराज़ बढ़ता करें बहुत परेशानी हो जाती है हमें वो बेचारी इसकी औलाद के लिए इसी से दरख्वास्त कर रही थी समी स्कूल जाने के कतई मूड में नहीं था उसे तो ऑफ़िस और वहाँ से हॉस्पिटल जाना होता था अम्मा का इंकार सुनकर इसका मिजाज बरहम हो गया एमन को पहले स्कूल ले जाना फिर वापस घर छोड़ देना रास्ता भी मुख्तिर नहीं था और ट्रैफिक का लोड भी नाक़ात में बहुत ज़्यादा हो जाता था इसका मतलब था आज का पूरा दिन वो कुछ और नहीं कर सकता था आप जाएँ यामन को तैयार करें मैं ले जाता हूँ और कौनैन को भूल जाएँ आप वो नहीं आएँगी मैंने उन्हें जॉब से फ़ारिग कर दिया है वो चिड़कर बोला जबकि अम्मा रजिया का मुँह उतर गया कौनैन ने बहुत सी जिम्मेदारियाँ बांट ली थी इनकी लेकिन उन्होंने समी के तासुरत देख कर मजीद को सवाल नहीं किया आधे घंटे बाद बादन तैयार होकर नीचे उतर आई और उसे भी नीचे आकर पता चला कि कौनैन के बजाय अपने बाप के साथ जाना है इसके चेहरे के तसुर भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे मुँह लटका हुआ और आँखें भीगी भीगी सी हो रही थी समी सब देख रहा था और झुंझुलाता जाता था दो महीने में ही इस घर वाले इस लड़की के इतने आधी क्यों हो गए थे वो ऐमन के हमरा घर से निकलकर स्कूल पहुंचा तो उसे खफीफ सा हैरत का झटका लगा कॉनैन गेट के बाहर ही अपना थैला नमा बैग लटकाए खड़ी थी इनकी गाड़ी देखते ही इसने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देखी गोया जताना चाह रही हो कि वो लोग ताखीब से पहुंचे हैं समी ने इसको देखकर दिल ही दिल में इतमान भरी सांस भरी क्योंकि वो गाड़ी में ऐमन के ता देख कर ही भाग गया था कि वो आज भी इंटरव्यू में कुछ नहीं बोलेगी जबकि कॉनैन की जानब देखते ही उसका चेहरा खिल उठा था कॉनैन आप मुझसे पहले आ गई मैंने तो सोचा आप नहीं आएँगी मैं डर गई थी ऐमन गाड़ी से उतरते ही इससे चिपक गई समी उसको देखता ही रह गया वो इसी की बेटी थी लेकिन वो कभी ऐसे वाले हाना अंदाज़ में उससे नहीं चिपकी थी ऐमन ने इस अंदाज़ में कॉनैन का इस्तबाल करके समी को शर्मिंदा ही कर दिया था इसने कौन की जानब देखने से एतराज़ करता था और आँखों पर सन ग्लासेस टिकाल लिए वो इस लड़की की हाथ में अपनी कोई कमज़ोरी नहीं देना चाहता था लेकिन दिल ही दिल में वो शुक्रगुजार सा हो रहा था कि वो इस कड़े वक्त में इसकी बेटी की मावनत के लिए वहाँ मौजूद थी आप लोग दस मिनट लेट आए हैं उसने उसे मुखातब किया इसका चेहरा अब कुछ बेहतर था अगरचे खराश खरंडों का लिबादा ओढ़ चुकी थी लेकिन सुरखियाँ और मिलाहट कम हो चुकी थी समी ने इसकी जानब देखा मगर वह मुँह से कुछ नहीं बोला इसका कुछ भी बोलने का इरादा नहीं हो रहा था वो इस लड़की से कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि वो कहीं ऐमन के लिए इसकी तवज्जो और मोहब्बत देख अपना फ़ैसला ना बदल डाले इसके मुसलसल खामोश रहने पर कॉनैन ने दो तीन मरतबा गर्दन उठाकर उसे देखा मगर ऐमन की मौजूदगी की वजह से वो खामोश हो गई पहले मरहल में ऐमन का एक बैच लगा दिया गया और अपनी बारी पर उससे अकेले ही ऑफिस के अंदर जाना था पेरेंट्स की बारी इसके बाद आनी थी ऐमन जब ऑफिस के अंदर चली गई तो कौनैन ने उसे मुखातिब किया आप नाराज़ हैं मुझसे इसके अंदाज़ में लजाजत थी सभी ने एक नज़र उसे देखा वो हाँ कहना चाहता था लेकिन उसके तसरा ऐसे थे कि वो कह ही नहीं पाया ऐसी कोई बात नहीं है मिस कौनैन इसने ये जवाब दिया वो खुश हो गई थैंक यू सो मच मुझे लगा आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा है वो मजीद बोली समी ने अभी भी सन ग्लासेस लगा रखे थे इसकी आंखों में नागावारी बढ़ रही थी मगर फिर भी वो तहमुल तो का मुजाहरा कर रहा था आपको आना तो वाकई नहीं चाहिए था ऐसे ऐमन नई गवर्नर्स के साथ आदि नहीं हो पाएगी आप जितना ज़्यादा ऐमन से दूर रहें इतना ही अच्छा है वरना मैं इसे कैसे संभालूंगा उसने साफ जवाब दे दिया था कौन का रंग फीका पड़ गया आप ये ये तो मत करें मेरे साथ इतनी इजाज़त तो दे मुझे मैं कभी कभी एमन से मिलने आती रहूँ वो दरख्वास्त कर रही थी समी चुप रहा यह अच्छी लसोड़ा लड़की थी तो इसके ख़ानदान से चिपक कर रह गई थी आपको इस बात पर भी एतराज़ है समी साहब इतने ालम हो सकते हैं आप समी की जवाब ना मिलने पर ख़ामोश अंदाज के ऊपर इसने एक और सवाल किया वो तड़प कर पूछ रही थी समी को बुरा लगा एतराज़ सिर्फ़ मुझे नहीं अभी भी, भी। आपके वालदे मोहतरम को भी है वरना मैंने तो ना चाहते हुए भी अपनी बच्ची की जिम्मेदारी ब आपको सौंप ही दी थी आपको पता ही है कि असल मसला आप उनका है आप मुझे अकेले पर इल्ज़ाम मत लगाएं। अपने फ़ादर की ख्वाहिशात को भी समझें वो भी नहीं चाहते कि आप जॉब करें यहाँ पर इनको भी ये जॉब आपके लिए ऑकवर्ड लगती है वह चिड़ बोला यह मुसीबत इसके गले का तोक बनकर रह गई थी उनकी बात मत करें उनको तो मैं पूरी की पूरी ऑर्डर ऑकवर्ड लगती हूँ इन्हें मेरे हर फेल पर एतराज़ है और यह आपसे नहीं हो रहा मेरे बचपन से ही हो रहा है मैं तो कहना ये चाह रही थी कि इनको इस मसले से निकाल दें आप वो कुछ अरसे बाद ख़ुद ही सब कुछ भूल भाल जाएंगे वैसे भी ये मेरा और मेरे अब्बा का ज़ाती मामला है इसने इतना ही कहा था कि समी ने उसकी बात काट दी आपका ये यहती मसला मेरी दहलीज पर आ पहुँचाए बीबी ना सिर्फ आप पहुँचाए बल्कि चेख चिल्लाकर सारे मोहल्ले में अपना एतराज़ रजिस्टर करवा कर गया है वो गुरा कर बोला फिर एहसास हुआ कि यह जगह इस बात के लिए मुनासिब नहीं तो आवाज़ को धीमा करके बोला आप इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं नो मोर आर्ग्यूमेंट्स प्लीज़ मैं नहीं ख़त्म कर सकती आप मेरे अब्बा वाले मसले की फ़िक्र मत करें मैं ख़ुद ही इस मसले को हल कर लूँगी आप भूल जाएं अब्बा को आप मेरे अब्बा के बारे में कुछ नहीं जानते इनको जिस बात का गुस्सा है वो कुछ और ही है आप अभी इस मसले की बात करें वो इसकी तवज्जो दोबारा अपनी दरख्वास की तरफ मबसूल करा रही थी इस मसले को कोई हल नहीं कर सकता कौन है आप क्यों नहीं समझ जाती आपके अब्बा ही मोतरज हैं मेरी अम्मी को भी एक यंग लड़की का ईमन की गवर्नस बनना किसी तौर पर कबूल नहीं कल को खानदान के दूसरे लोग भी उठ खड़े होंगे मैं किसी किसकी बातों को जवाब देता फिरूंगा अब की बार वो इंतहाई नागंवारी से दो टोक लहजे में बोल रहा था वो चंद लमेहे के लिए चुप ही हो गई फिर बोली तो इसका लहजा अजीब सा था तो फिर इस मसले का एक हल है मेरे पास इसके अंदाज़ में कुछ झिझक सी थी समी ने ग्लासेस के अकबसों से देखा उसने अपने हाथों को देखा चंद लमहे देखती रही फिर गहरी सांस लेके बोली आप मुझसे निकाह कर लें वॉट वो उछल ही तो पड़ा था बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज़